السلام عليكم. وي كومون شو بطو بطي بطو بطي ماني قاعده نحكي ठीक है मामा वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं मेरी कुटी को मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहां रहें हमेशा खुश रहें आबाद रहें हंसते रहें और मुस्कुराते रहें. गाइस आप लोगों के सामने मैं अपने स्कूल से जा चुकी हूं. मेरी मामा कह रही हैं जिस तो जब भी मैं वो उठाती हूं ना मोबाइल तो शूटिंग बंद हो जाती है. ऐसी बात नहीं है. अच्छा एक मिनट चुप कर. मैं जा रही हूँ. कोई समझ नहीं आ रही व्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ. चलो पूरे घर ड्राइंग रूम में चले जाओ. नहीं यहाँ सारी चीजें बंद कर देते हमारे घर का हूँ. फेमस है आपको दिखाए. ये देखें ये ऊपर बन रही हैं. इसको कहते हैं शटरिंग. तो शटरिंग जो है ना वो तैयार हो रही है. गुजरना बड़ा मुश्किल हुआ है. तो यहाँ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं. ओह तो बाकी कहाँ देखा है आपने. खत्म गैस भी खत्म हो चुकी है. हस्बैंड साहब को करते हैं कॉल. सबसे पहले उनकी बातें सुननी पड़ेंगी कि गैस खत्म हो चुकी है. उनसे कहते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं. ये देखें शाम तक उम्मीद है कि सारा यहाँ शटरिंग बन चुकी होगी मुकम्मल. गैस खत्म हो चुका है. चलो हम सब देखे तैयारी करके आ चुके हैं. ठीक है मैं जा रही हूँ. दोबारा मोबाइल दे दो. अम्मी हम जा रही हूँ. क्या खाएंगे अब को. मैं कहती हूँ सिलेंडर दे जाएंगे. नहीं पैसे दो. इसका मोबाइल भी हम इसके अंदर और मेरा भी इसी के अंदर ही. इसको बंद कर और मैं चलती हूँ. मेरी स्कूटी जहाँ खड़ी हुई वहाँ स्कूटी निकालते हैं पढ़ाने चलते हैं. सिलेंडर खत्म हो चुका है. बोल ये देखें ये हमारे ड्राइंग रूम और यहीं से हम बाहर. तो यहाँ हमारी स्कूटी है. यहाँ खड़ी भी है. यहाँ से निकालते हैं अपनी स्कूटी. यहाँ है हमारी स्कूटी. चलते हैं जी पढ़ाने. आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब. कहीं मत जाना है. मिलते हैं आपको स्टूडेंट के घर. पढ़ाई पे पहुंच के फिर आपसे मिलती हूँ. ठीक है अभी फ़िलहाल सड़क आने वाली है. मैं जो है ना मोबाइल बंद करती हूँ. आए मैं जी एक स्टूडेंट के घर. पढ़ा पढ़ू लिया था और इस मिल्क शेक के पीछे हम देर से बैठे हुए थे. ये है जी हमारा स्टूडेंट. आप कैसे हैं? मेरे टीचर को आप सब्सक्राइब करें ताकि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए. थैंक यू. ये इसने भी अपना चैनल बनाना है. तो अभी हम स्कूटी बाहर निकालेंगे. ठीक है पहले शेरी ने बाहर निकाली थी है ना फिर अंदर खड़ी कर दी क्योंकि इसके पीछे हमें बैठना था मैंगो शेक के पीछे. लेके आए हैं मैंने उधर रखा है. क्या ले आए पता नहीं. हमरे कबीले चाव लेसन. गोश्त नहीं गोश्त है. मुझे फोन पे कहा है. ये हालात हैं बच्चों के. ये अभी किचन का डोर क्लोज करो. सारी ये देखिए लकड़ियां लग चुकी हैं. जंगल में आज मंगल करेंगे भूत. कह दिए हमने आज जंगल में मंगल हो गई है. तो ये सारा जंगल है. और आप इन तीन बच्चों को देख सकते हैं. एक बच्चे कुत्ते की तरह मर रही है. अंधेरी आ रही थी इतनी ज्यादा आंखों में. मैं बाइक
चला ही नहीं सक रही थी, फिर वहां इतनी और खड़ी किए क्योंकि अभी हम घर में तो बड़ी हो नहीं सकती। क्या था अब रखा ना आपने, पहले रखती हैं आप मेरी माँ ना बने प्लीज, मुझे मेरी माँ ने बोल दी किचन में, और फिर जाना वहीं आवाज़ से। सो फाइनली गाइस हम लोग जो है ना किचन में आ चुके हैं, बना रहे हैं जी सारे। मेरी आंखें अगर आप देखें आपको बहुत नजर आ रही है, तो पानी पानी है, एक पानी तो आंधी का है, दूसरा पानी प्याजों का है, तो यहाँ आलू चिकन आया हुआ है तो वो बना रहे हैं। गुजरने का रास्ता नहीं था ये, देखिए यहाँ से आपको नजर आ रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजर के आए हैं, तो बड़ी मुश्किलात देखी हैं घर बनाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी बहुत हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपना घर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जो है ना सेटल्ड हो रहा है। हर जहरी बात है छोटी छोटी मुश्किलात तो इंसान को देखनी पड़ती है ना। सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे हमने ये प्लॉट लिया, फिर ये किस तरह बना हुआ था, फिर ये अब किस स्टेज पर पहुंचा है, जब ये मुकम्मल फाइनल हो जाएगा फिर भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सोच और नीयत साफ हो तो अल्लाह पाक इंसान के लिए आसानियाँ कर ही देता है। सालन जो बनाते हैं सालिया गुंथी आटा, बच्चों को खाना खिलाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, और मेरे मोबाइल की बैटरी काफ़ी ज़्यादा डेड है, लो है, तो उसको भी चार्जिंग पे लगाते हैं, और सारे आप इसको चार्ज दूंगे कैमरा मैन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ हमारा सालन तकरीबन तैयार होने को है, एक बोटी होने वाली देखा जन बढ़ दी पई। अच्छा वो मुझे दोरी वाला वो उठा दे मसाला, नहीं मैं क्लास फेलो है तो वो भी ऐसे कहती है जब भी मैं अपनी अम्मी से बोटी मांगू ना भोने वाली मुझे चम्मच से मार के बाहर निकालती है, तो वह सिरे से लगा दिया था देखे दफा हो जा सबने कमेंट के, हमारी मम्मा भी ऐसे ही करती है, बोने वाली चावल दे दो बोने वाली बूटी दे दो। आलू वगैरह काट लिए हैं और मैं थोड़ी सी दाल मिक्स करूँगी, इसे क्या होता है शोरबा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है फिर इसकी हम करेंगे मेरी मम्मा के न्यू जुगाड़न है। गाइस आप भी ऐसे काम करें, ये मैं गर्म करके खाऊंगी। अच्छा जी ओके जी, इधर देखिए गाइस देखा नहीं, अब मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ, तो जला है तो झूठ क्यों बोल रही हूँ आकर, हाँ तो शर्म नहीं आई झूठ बोलते हानी बटे झूठी गाइस बोल रही हूँ मैं, ये देखो कहाँ तक हो लगेगा गाइस, देखिए नीट एंड क्लीन पतीला है और ये गाइस झूठ बोल रही है, वहाँ साल दिखाती हूँ इतना मजे का साल बना है हानी, साल हमारा गोश्त का बना। अगला दिन आ चुका है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पंखा बंद करती हूँ क्योंकि आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, ठीक है बस थप्पड़ खाओगी इतनी गर्मी है। और सेकंड हमारा जो है ना आज क्योंकि रात साले ने साल की वजह से मूड ऑफ कर दिया था, और उसके बाद इतनी अंधेरी आ रही थी रात को, बहुत आंधी आई है और इतने हम डिस्टर्ब हुए जिसकी इंतहा नहीं, अच्छा लेकिन फिर भी रात को सुकून से नींद आ गई थी, लेकिन आज का हमें कुछ नहीं पता कि आज की रात हमारी कैसे गुजरने वाली है, उसकी रीज़न क्या है कि एसी हमारा उस रूम का उतर चुका है, और यहाँ जो है ना खिड़कियाँ हम ड्राइंग रूम में अपना डेरा लगाया हुआ है, चार पाई वो खड़ी है, एक ये है सोफे हैं एक वहाँ है, तो आज की रात कैसी गुजरने वाली है कोई समझ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा टाइम हो चुका है बच्चों को लेने का, तो यहाँ देखें हमारे घर की सूरत हाल क्या है आपको लाइव दिखाएं, तो ये ऊपर सारी जो है ना शटरिंग अभी भी दूसरा दिन है की जा रही है, ठीक है ये देख रहे हैं दूसरा दिन है हमारे घर की शटरिंग जारी है, और यहाँ जो है आपको मैं दिखा के आती हूँ सूरत हाल लाइव, यहाँ कोई नहीं है, स्कूटी मेरी किसी और के घर खड़ी है, वो लेना है बच्चों को लेना है, ये ये देखें ये है जी सीढ़ी, ये सीढ़ी जा रही है ऊपर, ये देखें सीढ़ी ऊपर जा रही है, ये ऐसे जाएगी फिर ऐसे मुड़ कर ऊपर हो जाएगी, तो सीढ़ी की जगह भी हमारी यही थी और लग भी इधर ही रही है, ये और क्या इन्होंने किया सिर्फ सीढ़ी के नीचे ही जगह कवर की है, हाँ ये देखें सीढ़ी के नीचे ही जगह कवर की है इन्होंने, तो यहाँ भी सारी शटरिंग शटरिंग बिखरी पड़ी है अंदर बाहर तक, मतलब शेड जा रहा है बाहर भी शेड जा रहा है ना, एसी जो उन्होंने उतार के रखा है वो आपको दिखाते हैं कि एसी की क्या सूरत हाल है, साइकिल हमजा के अंदर ले जाते हैं, ओए होए होए कोई गुजरने का रास्ता नहीं है,
बस जैसे कैसे सामान अंदर बाहर पूरा घर उधम मचा पड़े। ये एसी पड़े हमारे घर का साइड पर, हमने यहाँ रख दिए। ये एसी पड़े मेरे ख्याल में इसका जो वो है ना, ये पाइप गला हुआ है, इसका जो ऊपर वाला है वो मुझे लगता है ऊपर ही इन्होंने रख दिए। रात अच्छा इसकी कूलिंग नहीं थी, मज़ा नहीं था। तो गंदम का मुंह वैसे खुला का खुला पड़ा हुआ है यार, कोई हाल नहीं है घर का। वो ऊपर एसी की तार पड़ी हुई बस। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है भाई घर में रह के घर का काम करना। शोएब मुझे कह रहे थे कि आप अपनी मम्मी के घर चली जाओ और वहीं जाकर जो है ना पीछे हम घर का काम करवा देते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा नामुमकिन है, मैं अपनी अम्मी घर जा ही नहीं सकती। आप कहेंगे इसकी रीज़न क्या है, अपनी माँ के घर क्यों नहीं जाती? तो भाई मेरा वहाँ दिल नहीं लगता, मेरा दिल सिर्फ अपने घर में लगता होता है और कहीं भी नहीं लगता है। तो गाइस मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी नहा लेती हूँ, उसके बाद डालती हूँ बुरखा और उसके बाद मुझे चलना है जी बच्चों को लेने। स्कूटी मेरी दूर खड़ी हुई है, वो भी लेने जाऊँगी। सालिया नहा कर आ चुकी है, हमारे भी रूम की सफाई जो है ना वो तकरीबन प्रॉपर हो चुकी थी। तो किचन की क्या सूरत हाल है कोई समझ नहीं आ रही। किचन से भी ऐसे हमें गुजर के जाना पड़ता है। हमने ये हानी के कपड़े हैं जो मैं सख्ती से मना किया है। ये देखें, ये हमारे किचन की लाइव हालत है, ये आप देख सकते हैं। दूध हमारा ऐसे ही पड़ा है, इसको उठा के रखते हैं फ्रिज में, ठीक है। इसको फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज चला देते हैं। दूध आजकल हम रखते होते हैं ऊपर वाले खाने में, ठीक है। फ्रिज चला दिया। सालिया को कहती हूँ वो आकर जो करेगी, मैं जल्दी भी कर लेती हूँ तैयारी, फिर आपको मिलते हैं। रात का टाइम है और बच्चे मेरे देखें सोए हुए हैं यहाँ। उमना, हानी, सालिया, तूबा एक ही बेड के ऊपर सारे बेचारे सोए हुए हैं। यहाँ पंखा लगा हुआ है और मेरी जगह जो है ना वो ये है, सही है। शुएब सोए हुए हैं बाहर, क्योंकि सहन में नहीं सोए हुए, गली में सोए हुए हैं, मतलब वहाँ चारपाई डाल के। और कूलर आया था, जो कि कूलर हमने निकाला वो ख़राब है, सुबह इंशाल्लाह उसकी सेटिंग होगी। एसी तो हमारा जो है ना उतर के, मैंने आपको दिन में भी दिखाया था वहाँ पड़ा है। मिट्ठू हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज की वीडियो का इधर ही करते हैं जी एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। और मिट्ठू अल्लाह हाफिज़ करो भाई, मिट्ठू नहीं देख रहे, वो कह रहे शायद सुबह हो गई है, तो हम भी यहाँ सोते हैं। अल्लाह हाफिज़।